दोस्तों गोंडवाना जो रियासत है मध्य प्रदेश प्रीलिम्स का जो टॉपिक है दोस्तों, तो कौन कौन से इसमें इस वंश की स्थापना कब हुई, कौन कौन से राजा हुए। सेल गांव निवासी जोशी पटेल ने इसके पुत्र के यादव राय द्वारा 1328 से 1440 ईस्वी में इसकी स्थापना। कौन कौन से शासक हुए इसमें दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में अगर अपन देखें दोस्तों, तो दलपत शाह, रानी दुर्गावती, उत्तरकालीन गोंड शासक कौन कौन से हुए, तो मधुकर शाह, प्रेम शाह। इसके बाद अगर बात करें तो हदय शाह, छत्रसाल, केसरी शाह, हरी सिंह, पहाड़ सिंह, ऐसे सभी शासक हुए दोस्तों। तो ये शॉर्ट नोट से मेरे दोस्तों, माधव राज शाह, दर्जुन शाह, निजाम शाह। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें 1857 की क्रांति में गढ़मंडला का जो शासन काल रहा दोस्तों, अब इस पे देवगढ़ राज्य की क्या क्या भूमिका रही, इसमें राजधानी कौन सी रही, दल शाह कहाँ के शासक थे, कोक शाह, केसर शाह, गोरख शाह, ऐसे जो पूरी रियासत के बारे में दोस्तों जो टॉपिक हैं, ये पूरा मैंने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किया है दोस्तों। अगर इस पे अपन देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर हैं, मठ के बारे में भी जानकारी है, दुर्ग हैं, चोरागढ़ है, रामनगर है, गढ़ा है, सिंगोरगढ़ है। इसके बाद नासिर, मजबूत शाह, वीर भानुदय, काव्यम, तो ऐसे रानी पद्मावती, तृतीय। इसके बाद अगर आके बात करेंगे तो बुंदेलखंड जो रियासत है उसके बारे में दोस्तों, कि बुंदेलखंड रियासत में कौन कौन से शासक हुए, मौर्य, शुंग, गुप्त, मौखरी, कलचुरी, गुजर प्रतिहार, चंदेल। तो इसमें पहले बात करें तो चंदेल वंश की स्थापना कब हुई, तो उसके बारे में जानकारी है दोस्तों। तो ये पूरी जो शॉर्ट नोट्स है दोस्तों मैंने अपने बनाए हैं, तो आप भी ज़रूर ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए दोस्तों।